मानसून की दस्तक के साथ ही क्षेत्र में तबाही का मंजर भी शुरू हो गया है। प्रसिद्ध पर्यटन नगरी चायल को जाने वाले रास्ते में साधुपुल के नजदीक बीती रात से ही हो रही भारी बारिश के चलते सड़क में मलबा आ गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई। देर रात से हो रही बारिश के चलते सड़कों में मलबा भर जाने के कारण ये मार्ग करीब 6 घंटे से बंद है। वहीं बारिश की तीव्रता तेज होने से मलबा आसपास के घरों व होटलों में भी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के अनुसार यहां के एक नाले में फेंकी गई मिट्टी बारिश के दौरान भारी मात्रा में सड़कों पर आई और लोगों के घरों में घुस गई, जिसके कारण देर रात से ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। भारी मात्रा में मिट्टी आने के कारण ये मार्ग करीब 6 घंटे से बंद है। स्थानीय निवासियों का प्रशासन को कहना था कि नाले में फेंकी गई मिट्टी बारिश के चलते सड़कों पर आ रही है, जिससे बार बार रोड बाधित हो रहा है, लेकिन प्रशासन को बार बार कहने पर भी वहां पर मिट्टी नहीं हटाई गई और फिर से शनिवार रात को हुई बारिश के चलते रोड ब्लॉक हो गया है। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।